सचकल सारण की हालचाल। मैं रंजीत सिंह बोल, फिर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें आपको यहाँ पे आके नहीं करनी है, स्पेशली वो चीज़ जो जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू हो सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ बताऊँगा आपको। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोगों की सलाह है, जो लोग आपको एडवाइस देंगे यहाँ पे जब आप आओगे कैनेडा में, तो उस सलाह को सुनने से पहले आप उस सलाह के बारे में, एडवाइस के बारे में अच्छे से सर्च आउट करें, देखें कि आपके लिए वो अच्छी है या बुरी है, तो उसके बाद अपना डिसीजन लें, ना कि उसकी सलाह या फिर एडवाइस लेके उस चीज़ को करना। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ें अच्छे से, कोई भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे मैं दे रहा हूँ, तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन निकालें उस चीज़ की जो आपको पता लगता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा है, तो आपको वहाँ पता लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, बिकॉज आप अपना काम करेंगे उस टाइम पे, आप अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क करेंगे उस चीज़ को जानने के लिए, तो उसके बाद आपको पता लगेगी क्या एग्जैक्टली वो आपके लिए बेनिफिट है या लाइक रिस्की है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू और योर एफर्ट्स कि आप कितना अच्छे से उस चीज़ को समझना चाहते हैं, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और आपको क्या चीज़ नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और सॉरी फॉर दो स्टूडेंट जिनके लिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जो कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे में भी मेरा काम है और उसके बाद तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। जैसे आज सैटरडे है तो मैंने आज उनको कॉल करी, तो जो स्पेशली जो कॉलेज की टीम है जो फाइनेंशियल संभालती है सभी चीज़ें इंटरनेशनल स्टूडेंट को, तो वो सारी हेल्पलाइन अभी बंद हो चुकी हैं सैटरडे और संडे को, तो इसलिए उनको कॉल नहीं कर पाया हूँ। तो आई होप कि मंडे को कॉल करूँगा और आपको मंडे को एक वीडियो मिलेगी फॉर श्योर। CDI और CDI के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को, स्टूडेंट्स को चाहिए, तो फॉर श्योर मैं CDI को पहले चूज़ करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ, तो देन उसके बाद जो आगे कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सो हियर वी गो। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है जी सिन का मिसयूज़। कैसे, जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि आपको फेक कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि आपका सिन कहीं गलत यूज़ हो रहा है, वो एक अलग वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी, वो यहाँ पे लिंक शो होगा, तो वो देखें आप जाके। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। तो अभी अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई थी कि एक स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज कि उसने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, वो भी सिन पे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काम भी कर रहे हो कनाडा में आके, तो 20 आवर्स से ज़्यादा ना हो, बिकॉज जब आपको स्टडी परमिट या वर्क परमिट मिलता है उस पर स्पेशली मेंशन किया होता है 20 आवर्स पर वीक। इट मीन्स कि 20 घंटे ही आपको अलाउड हैं एक वीक में, ना कि कई स्टूडेंट्स या फिर कई आपके जो ब्रदर होंगे या कोई भी होगा, तो आपको वो एडवाइस देंगे कि आप 24 आवर कर सकते हो। इवन मैकडी में भी ऐसा होता है, लेकिन कई लोग करते हैं और कईयों को कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो वो आपको ही इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ का, ना कि वो और लोगों को जो आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो इससे अच्छा ना कि इस चीज़ को रिस्क में रखते हुए आप आगे चलें, इससे अच्छा है कि आप अपना सेफ साइड चलें, बिकॉज आप एक अलग कंट्री में आए हो, आपकी ड्रीम डिफरेंट है और इतना पैसा लगा के आए हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आए हो, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको सीन पे काम 20 आवर्स से ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको पता है आपको क्या करना है उस टाइम पे, तो 20 आवर्स ही सीन पे करें, उससे अलावा आपको करना है तो आपको यू नो वेरी वेल कि आपने कैसे उस चीज़ को करना है। तो वो है, तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि 20 आवर ही करें सीन पे, बिकॉज अगर आपकी किस्मत ख़राब है, अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हो, तो अगर गवर्नमेंट ने आपको चेक किया है, आपके टैक्स जब आप फाइल करते हो तब आपके हर एक आवर वहाँ पे दिखता है। इवन मैंने भी थोड़े आवर ज़्यादा करे हैं एक दो वीक में, किसी में 23 करा है, किसी में 21 करा है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज थी मेरी, उस टाइम पर मुझे भी नहीं पता था। लेकिन इस चीज़ के बारे में जब मैंने पढ़ा अच्छे से, तो हर एक चीज़ समझ आई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें, और रिस्क बहुत बड़ा है ये, अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा तो वो रिएक्ट भी कर सकती है, आपको सेफ
भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देम, बिकॉज अब यहाँ पे रिस्क हम नहीं ले सकते। तो उसके बाद जब मैंने एक हफ्ते ही करा था, एक दो हफ्ते करा था, उसके बाद मैंने नहीं किया, बिकॉज मुझे ये था कि जो वर्क परमिट पे या फिर स्टडी परमिट पे लिखा है 20 आवर्स पर वीक, इट मीन्स वो रीज़न है उस चीज़ का लिखने का, अदरवाइज वो नहीं लिखते। अगर 24 आवर वो कर सकते हैं या फिर मतलब ऐसा कुछ, कोई भी आपको कुछ बोलता है तो आप अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट उठाएं, उस पर लिखा होगा हर एक चीज़ कि 20 आवर्स पर वीक, दैट्स इट। वो जो चीज़ लिखी है वो परमानेंट है, जो भी और लोग बोल रहे हैं वो टेम्परेरी है, उसको आपको बिल्कुल भी फॉलो मत करें, और सोचें और समझें और उसके बाद डिसीजन लें। तो 20 आवर ही करें, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ वही है कि एडवाइस लेने से पहले किसी की उस चीज़ को अच्छे से समझें, पढ़ें उसके बारे में, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आपके सोचने पे और आपका जो भी माइंडसेट है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है देन उस चीज़ को फॉलो करें, अदरवाइज बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तो स्पेशली बिकॉज कैनेडा आना बहुत बड़ा ड्रीम होता है सभी का, तो जो यहाँ पे आए हैं, जो अभी आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे शो होगी, या फिर कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।